إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون तुम कभी भी नेकी के आला तरीन दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीजें अपने रब के लिए कुर्बान ना कर दो अब ये कहने को तो एक जुमला है क्यामत छुपी हुई है इस जुमले में अल्लाह ताला अपने बंदों से आखिरी दर्जे की कुर्बानी डिमांड कर रहे कि सबसे जो पसंदीदा चीज है ना वो अल्लाह को दो अब जो जो चीजें पसंदीदा चीज की कैटेगरी में फॉल करेंगी वो सब सबकी सब अल्लाह तला आपसे डिमांड कर रहा है। इंसान को सबसे पसंदीदा अपनी जान है वो अल्लाह के लिए दे ये नहीं कि जाके गर्दन कटवा दे यानी जान अपनी जिंदगी अपनी मसरूफियात अपने रब के लिए करें और जब कभी जरूरत पड़े तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाए यानी आपने जिस्मानी तौर पर माली तौर पर हर लिहाज से अल्लाह के लिए कमिटमेंट शो करनी है और इंसान की जिंदगी में सबसे अहम तरीन पोर्शन उसकी जवानी का पोर्शन है यंग एज में इंसान के आसाब भी मजबूत होते हैं ताकत भी होती है कमिटमेंट के साथ कामों को वो परफॉर्म भी कर सकता है तो आप इसको यूं समझ लें कि तुम कभी भी नेकी के अला तरीन दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी जवानी की उम्र अपनी जो सबसे बेहतरीन उम्र का पोर्शन है वो अल्लाह के लिए कुर्बान ना कर दो दर जवानी तोबा करदन शेवा पैगम्बरी जिसे कहा जाता है कि जवानी में नेकी की ज़िंदगी गुजारना ये पैगम्बरों का शेवा है बुढ़ापे में तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है जब गुनाह करने की ताक़त ना रहे बगावत की ताक़त ना रहे उस वक्त बगावत से बचना ये कमाल नहीं है कमाल ये है कि जब सब कुछ अवेलेबल था उसके बावजूद आप अल्लाह के खौफ की वजह से अल्लाह ताला के साथ अपनी कमिटमेंट को शो करते हुए शैतान की बजाय पैगम्बरों की पैरवी अख्तियार करें यह है असल में चीज़ बाक़ी ये आयात हमारे सामने से जब गुज़रती हैं तो हम तो इनको लेते हैं बड़ी नॉर्मल आयात जबकि सहाबा क्राम और अहले बैत के सामने जब इस तरह की चीज़ें आती थी ना तो वह फिर उनकी एग्जीक्यूशन भी करते थे आगे पूछते थे कि जी अब क्या करना है बताइए सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है सदीना अबू तलहान अंसारी जो अनसिबन मालिक के बाप भी हैं क्योंकि अनसिबन मालिक की जो वालदा थी उम्म सलेम उनके साथ बाद में इन्होंने शादी कर ली थी तो वो रसूल सल्ला वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए कि कुरान में ये आयत नाज़िर हुई है कि तुम कभी भी नेकी के अला तरीन दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ें अपने रब को ना दे दो कुर्बान कर दो तो मेरे माल में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मेरा एक बाग है सर बाघ को आप आज कल के बागों पर क्यास ना कीजिएगा कि किसी ने मकान के अंदर कोई छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है वहाँ बाघ का मतलब ज़रिया मुआश होता था क्योंकि बाग के अंदर खजूरों के दरख्त होते थे बाकी दरख्त जिससे वो इनकम हासिल करते थे आप समझ लें किसी की चलती दुकान है जिस पर खर्चा तो बहुत थोड़ा होना है और उसकी आउटपुट ही आउटपुट है तो सबसे महंगी तरीन चीज़ सबसे महबूब तरीन चीज़ मेरा एक बाग है मैं ये चाहता हूँ कि ये कुरान की जो आयत नाजल हुई है या रसूल लम तनान और बिर्राहफिको तो हिब्बू तो मैं इसको अल्लाह की राह में ख़र्च करके आखरत के लिए ज़ख़ीरा कर लूँ तो नबीम बड़े खुश हुए आपने फरमाया कि बिल्कुल करो और फिर आपने फ़रमाया कि ऐसा करो कि इसे अपने करीबी रिश्तेदारों में जो चचाजाद हैं कजन्स हैं तायाजाद उनमें तकसीम कर दो तो उन्होंने उसमें उनको तकसीम कर दिया सबसे मुश्किल रिश्तेदारों के ऊपर माल लगाना होता है नबील इस्लाम ने यह नहीं कहा कि इसे ला के तो मदरसे के नाम लिख दो या ये मेरे लिए वक्फ कर दो आज आप किसी मौलवी मदरसे वाले के पास चले जाएँ कि मैंने ये सदको और ख्यात करना है तो वो आपको ये कहेगा कि जाओ अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं उनमें बांट दो कहेगा लिहादर रसीद कटा तेरी ये फ़र्क है जनाब तो नबीलाम को चूँकि दुनियावी कोई लालच नहीं थी आपने उसे मेन माल गनीमत के पुल के अंदर नहीं लिया आपने फिर मैं अपने रिश्तेदारों पर खर्च करूँ नबी इस्लाम ने प्रैक्टिकली कुरान पर अमल करके बताया कुरान का उसलूब यह है कि आपके माल के सबसे ज्यादा हकदार आपके करीबी रिश्तेदार हैं लोग सदका और खैरात और जक़ात का भी पूछ रहे होते हैं और कोई रिश्तेदारों में कोई बहुत ज्यादा छलांग भी लगा लेता है ना तो दूर पार का कोई रिश्तेदार निकालता है भाई सबसे पहली रिश्तेदारी जो आपकी है ना जिस पे आपका सदका खैरात जक़ात लगेगी वो आपके बहन भाई हैं या उनकी औलाद है उनको कसुर्सी में छोड़ा होता है और बाकी दुनिया में वो दस्तरखान चला रहे होते हैं अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं क्योंकि वहां जैलसी फैक्टर आ जाता है आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी गैर रिश्तेदार ने किसी के ऊपर तावीज़ करवाए हों वैसे तो ज्यादातर है ही फ्रॉड है होता होता कुछ नहीं है नफसियाती बीमारी होती है लेकिन अगर हों भी तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहू जो है वो जाए पता लगवाने के लिए और वो आगे से नजूमी साहब ये ना बताएं कि तेरी सास ने करवाया तेरे पे और सास जाए और उसको ये ना बताया जाए कि तेरी बहू ने करवाया कभी ऐसा हुआ है कि कोई कह के जी सास की जाए तो वो कोई बंदा कह के जी वो एक बंदा है वो फलां शहर में रहता है उसने कराया होगा तो वो तो आप भी कहेंगे यार होता मेरे के लेना देना जिसके साथ लेना देना होता है वही जेलिसी फैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं ना और करीबी रिश्तेदार होते हैं तो नबी इलासलाम ने उसी चीज़ को एम्फोसाइज किया कि अपने रिश्तेदारों में वो माल खर्च करो सबसे ज़्यादा हकदार वो हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हीं के ऊपर खर्च करना हो जाता है एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में सैदना उमर इबन ख़ताब रदील तु नबी इस्लाम के पास हाजिर हुए और यही आयत पढ़ी लम तनाब्राह तुनफिको मिम्मा तो हिब्बू और कहा कि यारसल्ला मुझे जो खैबर के पास ज़मीन है मेरी वो मुझे सबसे बढ़ कर अजीज़ है तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में खर्च कर दो तो इस्लाम ने उनको फरमाया कि तुम उसको अल्लाह के लिए वक्फ कर दो बाकी उसके ऊपर जो फल फ्रूट लगते हैं वो जो आमदन हो रही है ना उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दो यानी असल एसेट अपनी जगह पर रहे और उससे जो इनकम हो रही है उसको खर्च करो ये भी एक फॉर्म है तो आखरत के लिए जखीरा करना है जो अबू अंसारी ने कहा यार यारसोल्ला मैं चाहता हूँ आखरत के लिए धहीखी कर लूँ बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि इंसान रट लगाता रहता है पूरी ज़िंदगी मेरा माल मेरा माल मेरा माल जबकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या पहन कर बोसीधा कर दिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए स्टोर कर लिया बाकी तो तेरे वसा का माल है पिछले तकसीम करेंगे अच्छा जो आप अल्लाह की राम में अपने हाथों से खर्च करते हैं ना और आखिरत के लिए महफूज कर लेते हैं वो आपका माल है क्योंकि क्यामत के दिन की करेंसी जो है वो नकियाँ है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जाते जाते पूरा जो अपना माल है या अपनी जदाद है वो किसी मदरसे को दे जाएं या किसी एन जी ओ को दे जाएं नहीं इस्लाम ने इस चीज़ को नापसंद किया है कि कोई शख्स अपना सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे इस चीज़ को इस्लाम ने नापसंद किया है इस्लाम ने इससे मना फरमाया वो जो अवाल इस्लाम में चंद कुरबानी के वाक़ आपको मिलते हैं ना वो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी जब ये चीज़ें इस्टबलिश हो गई हैं फिर तो नबी ने मना फरमाया सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस है हज़रत सादबन अबी वक़ास कहते हैं कि फ़तेह मक् के मौका पर मैं इतना बीमार हुआ कि मुझे लगा कि अब मैं जानवर नहीं हो सकूँगा नबी नबीम मेरी इयादत के लिए आए हालांकि उसके बाद बहुत अरसा जिंदा रहे हैं फतेह मक्का हुई है आठ हिजरी में और साद इबनबी वकास छप्पन हिजरी में फ़ौत हुए हैं सबसे आखिरी बदरी से आप फौत होने वाले जो हैं साद इबनबी वकास हैं तो मैंने कहा अर सला मेरी एक ही बेटी है मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ सारे का सारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि से मना फरमाया उनका यारसल् मुझे इजाज़त दें मैं अपने माल का दो तिहाई हिस्सा टू थर्ड अल्लाह की रात में खरात कर दूँ आपने इजाज़त नहीं दी फिर उन्होंने कहा आधा माल आपने इजाज़त नहीं दी फिर उन्होंने कहा एक तिहाई माल तो आपने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी और साथ फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद और गरीबी रिश्तेदार जो हैं ये लोगों से मांगते फिरें उनके लिए कुछ छोड़ के मरो यहाँ पे जरा सा बाप बेटे का झगड़ा होता है सबसे पहले वो औलाद को आग करते हैं और जाते जाते मदरसों के नाम लिख के चले जाते हैं ये वो नेकी नहीं कमा के गए गुनाही कमा के गए हैं एक तिहाई से ज्यादा माल आप अल्लाह की राह में खैरात कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी में पिछड़ों के लिए छोड़ के मरना है क्योंकि मालिक अल्लाह है इस माल का और आग तो आप कर ही नहीं सकते ना आग का तो कंसेप्ट इस्लाम के अंदर है ही कोई नहीं है ये तो पाकिस्तानी कानून के अंदर के किसी ने अगर कोई बना दिया तो बना दिया आग तो कोई कर नहीं सकता मालिक अल्लाह है बाप बेटे का रिश्ता कौन खत्म कर सकता है बेटी बाप का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता कौन खत्म कर सकता है सुलभी रिश्ते तो खत्म ही नहीं हो सकते आग का कोई कंसेप्ट नहीं है लेकिन यह भी नहीं है कि सारे का सारा माल आपने खराद कर जाना पिछड़ों के लिए छोड़ के मरना और यह भी याद रखिएगा सही बुखारी में हदीस है कि वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती वसीयत सिर्फ होगी अदर देन वारिस के लिए और फिर नबीम फरमाया कि जो वारिस का हक हाँ है वो अल्लाह ने कुरान में रख दिया है सूर्य अनिस के दूसरे रुकू के अंदर पूरी डिटेल आई है अब कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरे मरने के बाद जो वरासत तकसीम होगी वो तो होगी होगी लेकिन ये एक दुकान है ये मैं अपने फलां बेटे को देके जा रहा हूं ऐसे नहीं हो सकता और जिंदगी में अगर किसी को गिफ्ट भी देना है फिर सबको बराबर देना होगा बुखारी मुस्लिम अदीस है एक सही है उन्होंने कहा गवाह हो जाए कि मैंने अपने इस बेटे को ये गुलाम हिब्बा किया आपने फरमाया बाकी औलाद को भी एक एक गुलाम दिया है तुमने कहा नहीं तो फरमाया इस गुनाह के काम पे तुम मुझे गवाह कर रहे हो या उनको भी एक एक दो या इससे भी वापस ले लो ये जनाब इस्लाम है ये किताबों का दीन है बाकी अजर तो आपने अल्लाह से लेना है कोई कहता है मेरी औलाद ना फरमान निकली है तो अब मैं उसे आग कर दूंगा तो आप इन चीजों की बुनियाद के ऊपर शरीयत को तोड़ेंगे जिन लोगों ने सयद आयशा के ऊपर तोहमत लगाई थी और कुरान हकीम में सूरतुल नूर आपकी बरात में नाजिल हुई उनमें बदरी सिहाबी हजरत मिस्ताह भी शामिल थे जो हजरत बकर के करीबी रिश्तेदार थे और उनका सारा खर्चा हजरत अबू बकर ने उठाया हुआ था तो जब उसने भी तहमत में वो शामिल हुआ तो हजरत अबू बकर ने कहा कि इसका तो मैं पहले खर्चा पानी बंद करूँ ना बिल्कुल नेचुरल चीज़ है बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया हो जिसने तो इंसान उसको कुछ खिलाता पिलाता है लेकिन सर किताबों का खुदा फिर कुरान में आय नाजिल करता है कि तुम तो अल्लाह के लिए दे रहे थे हाई 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 हाई। तो सारे कानून तो सारे अखलाकियात तो सारे जज्बा चुक के अल्लाह ने परे सुटे तुम तो अल्लाह के लिए दे रहे थे तुमने अल्लाह से अजर लेना था उसका खर्चा पानी को बंद कर दिया एक गलती से उसे जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने हालांकि इससे बड़ी को गलती को कर ही नहीं सकता था किसी शख्स के हाक में कि उसकी बेटी के ऊपर तोहमत और बेटी भी आम नहीं है मोमिनीन में से हैं फिर उन्होंने दोबारा खर्चा उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं तेरे लिए करता था मैं इसको चलाता रहूंगा ये सही बुखारी में आता है कुरान में इसका इस जिक्र भी मौजूद है इस चीज़ का कि जो तुम लोग ये वजीफा दे रहे थे तो अल्लाह के लिए दे रहे थे ये क्या तुमने किया तो यह है किताबों का खुदा और हमारे जो जज्बाती हम जिन अक़ाइदों नज़रियात को ले चल रहे हैं वो बिल्कुल और हैं कहते हैं उन्होंने मेरे नाल सही सलूक नहीं कीता जनाब ऐसी दी तैसी होती अदले बदला जबकि इस्लाम में मुआफ़ी की रविश है इस तरीके से मामला को आपने लेके नहीं चलना तो जदाद इतनी छोड़ के मरें कि पिछड़ों में तकसीम हो सके सब कुछ अल्लाह की राह में दे के चले जाएँ अल्लाह की राह में कहाँ से जा रहा होता है ये जो आप मदरसों के नाम लिखते हैं ये अल्लाह की रहा में जाता है और मेरे भाई वो इमाम मस्जिद और खतीब जिनकी पंद्रह हजार बीस हजार किसी की पच्चीस हजार से ज्यादा तो नहीं होती है तनख्वाह इस्लामाबाद जैसे शहर में भी खतीब पच्चीस हजार से ज्यादा नहीं ले रहे उन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं उनका रहन सहन देखें वो सारे उनके ऊपर लग रहा होता है तो लोगों की औलाद के ऊपर आपने लगाना है मरने के बाद माल और अपनी औलाद के ऊपर रिश्तेदारों पर नहीं लगाना और मैंने कहा मदरसों के बारे में कोई बंदा फिक्रमंद भी ना हो ये आपकी चमड़ी भी उतार के अपना हक आपसे ले लेंगे ये भूखे नहीं मरते क्योंकि उन पे जब ऐसा वक्त आएगा वो आपसे छीन लेंगे आके लेकिन जो गरीब रिश्तेदार आपके अपने करीबी हैं आप उनके साथ सरफे नजर किए हुए तो ये आखरत के लिए आपने स्टोर करना है बुखारी और मुस्लिम एक और हदीस है कि इस्लाम ने फरमाया कि इबन आदम के पास अगर सोने की दो वादियां हो ना तो वो ये ख्वाहिश करेगा तीसरी भी मेरे पास आ जाए इसका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भर सकती है एक और हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में नबीस्लाम ने फरमाया कि इंसान के तीन दोस्त हैं दो दोस्त बाहर ही रह जाते हैं एक ही कबर में साथ जाता है उसके रिश्तेदार और माल ये बाहर रह जाता है और उसके अमाल साथ कबर में जाते हैं अमाल कौन से जो उसने खुद किए हैं या अल्लाह की राह में खर्च किया वो उसके साथ जाएगा और अगर कोई अपने साथ कबर में ले भी जाए माल जैसे वो पुराने ज़माने में जो फ़िरौन थे जिनके बड़े बड़े मकबरे बने हुए हैं पिरामिड्स गीज़ा के अंदर मिस्र में तो उनको उनकी पूरी दौलत में दफनाया जाता था तो वो उससे क्या इस्तफा कर सकते हैं आखिरत की करेंसी तो मेरे भाई सोना चांदी तो नहीं है कुरान में तो जगह जगह आया अगर ज़मीन के बराबर भी सोना हो और अल्लाह तला किसी को ऑफ़र करे कि सोने का तो मालिक है तो वो फिदिया देने के लिए तैयार हो जाए अपनी जान छुड़ाने के लिए हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है समझाने के लिए तो आखिरत की करेंसी तो है नए का माल ये तो आखरत में काम ही हाँ ये करेंसी भी ये दौलत भी आखरत की करेंसी में बदल सकती है जैसे आप बाहर के मुल्क में जा के पैसे दे के डॉलर ले सकते हैं यहाँ पे भी आप बैठे बैठे आखरत की करेंसी ले सकते हैं अगर आप आखरत के डिवाइन बैंक में अल्लाह के बैंक में से जमा करवाते हैं और उसका सोर्स आपके सबसे करीबी रिश्तेदार उनके बारे में तो यहाँ तक आया बुखारी मुस्लिम हदीस है जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए और उसके रिस्क में बरकत हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक शुरू कर दे उसने सलूक ये नहीं है कि खाली चलते पे दिन सलाम करें माल लाओ उसने सलूक हाँ। तो उम्र भी दराज होगी और रिस्क में बरकत भी होगी यह दीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है तो इस तरफ जरा तोज्जो दी जाए सारी की सारी तवज्जो मुझे गांधी साहब वाली बात याद आई कि लोग अपने क़रीबी रिश्तेदारों का माल हथिया लेते हैं और फिर दिल में ये सोचते हैं कि चलो मैं तहजद में पहले आठ पढ़ता था अब दो और बढ़ा लेता हूं सर तु जाके काबिज भी बढ़ के तहज पढ़ो जिसने किसी का नाहक माल दबाया है ना उसकी तो चमड़ी उतर जानी है बुखारी और मुस्लिम दोनों में अधीस है जिसने एक बालिश जमीन भी किसी की दबा ली तो सातों जमीनों का तोक उसके गले में क्यामत वाले दिन डाला जाएगा एक बालिश नौ इंच दस इंच सिर्फ नौ इंच की बालिश तो होती है यहां पूरी पूरी जदादे अड़प कर जाते हैं बड़ा भाई मर गया छोटा भाई कब्जा करके उसकी औलाद को भी मरहूम कर देता है बहनों की जदादें दबा लेते है। हैं दाढ़ियां रखी हुई हैं माशाला आजी नमाजी मशहूर हैं और करतूत उनके ये हैं कुरान में सूरत नल्ला तार हिलाया कि जो लोग यतीमों का माल खा रहे हैं ना नाहक अपने पेटों में दोज की आग भर रहे हैं अल्लाह ने नहीं है देखना यार इसकी तो दाढ़ी इतनी लंबी है, तो है।, तो है तो मैं अल्लाह का तो क्राइटेरिया कुछ और अल्लाहों और माल को नहीं देखता दिलों और अमाल को देखता उसने तो ये चीजें नहीं देखनी है ये सारी शक्लों से और माल से आप पब्लिक को धोखा देते हैं अल्लाह ने तो दिल और अमाल देखने के करतूत इसके कैसे थे इसलिए ये आयात जब आती है ना इनको सीरियस लिया करें अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें और इस आईने में अपनी भी शक्ल देखने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं लन तनालुल तनाल हत्ता ममा तो हिब्बून तुम कभी भी नेकी के आला दर्जे को पा ही नहीं सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो वमा व माँ तुलफिकन अभी आलीम और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो बेशक अल्लाह के इल्म में है इसमें अल्लाह ताला तसली दे रहा है कि तुम एक ऐसे खुदा पर यकीन रखते हुए उसकी राह में खर्च कर रहे हो जिसे तुमने देखा नहीं है आम देखे मालिक के लिए खर्च कर रहे हो तो ये टेंशन नहीं लेनी उसे सब पता है जिसने जिस नीयत से दिया है इन नलीम बिज़ात सुदूर तो ये तसली रखनी है कि एक एक चीज का वह बदला तुम्हें देगा मैं यहां मिसकाल जर्रतन खरा रहा वह मैं यहां आमल मिसरतन शर रही जर्रे के बराबर भी नेकी की है ना उसका बदला अल्लाह ने देना है और जर्रे के बराबर गुनाह भी किया है ना तो वो भी तुम पालोगे <क्षण> इंसान जिसके लिए कुर्बानी कर रहा होता है ना एक दुनिया में भी एक चीज है ये। इंसान की नेचर में है कि इंसान जिसके लिए कुर्बानी कर रहा होता है ना उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसको पता चले कि मैंने उसके लिए किया है उसको तो छोड़ते अल्लाह को भी बताने के लिए वो स्पीकर में कहते हैं मेरा नाम लो फलाने ना कि देता है इंसान की ख्वाहिश है ना इंसान किसी दोस्त के लिए कुर्बानी करता है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि मेरे दोस्त को पता चल जाए कि मैंने उसके लिए ये ये तकलीफ़ उठाई है तो मुझे वो तकलीफ झेलना आसान हो जाती है ये इंसान की नेचर है कि जब इंसान को पता हो ना कि उसके लिए कर रहे है और उसको पता चल गया तो फिर इंसान के लिए वो तकलीफ़ झेलना आसान हो जाती है तो अल्लाह तब जो कुछ तुम मेरे लिए कर रहे हो ना तो टेंशन नहीं लेनी मेरे इल्म में है मैंने एक एक चीज़ का हिसाब रखा हुआ है सब कुछ बराबर करूंगा और ऐसा करूंगा कि सूरत नाम के आखिरी रुकू में अल्लाह तरमाया कि जो एक नेकी लेके आया ना दस गुना दूंगा और गुना एक हुआ तो एक के बदले एक ही होगा और सूरत फरमाया कि फिर सत्तर से लेकर सात सौ गुना तक भी बढ़ा दूंगा और फिर फरमाया जिसके लिए चाहूंगा इससे भी ज्यादा कर दूंगा अल्लाह अकबर कभी अलहमद लाही कसी राबहन बकर अब एक और तारीखी इशू डिस्कस होने जा रहा है और वो बनी इसराइल से रिलेटेड है सूर्य इमरान की आयत नंबर नाइन्टी थ्री के अंदर चूंकि चूँकि इस्लाम ने दावत लॉन्च की थी तो आए दिन जो यहूदी हैं वो मुसलमानों को तंग करने के लिए अजीब व गरीब किस्म के सवाल उठाते रहते थे जैसे यहाँ पे भी लोग छोटे छोटे फीकी मसले उठाते हैं ऐह पूछिए जरा जा ठीक है ना जी तो यहूदियों ने एक ईशू उठाया मुस्द अहमद में डिटेल्ड हदीस मौजूद है इसी कॉन्टेक्स के अंदर ये जो अगली आयत आ रही है आयत नंबर नाइन्टी थ्री सूर्य इमरान की के हजरत इसराइल असलम जो थे यानी हजरत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम इसराइल उनका लकब था इसराइल हिब्रू लैंग्वेज में इब्रानी जुबान में कहते हैं अल्लाह का बंदा इसराइल वैसे एक मुल्क भी है वो उसी नस्बत से बना हुआ है कुरान में सूरत भी है सूर बनी इसराइल बनी इसराइल इसराइल की औलाद तो हजरत याकूब के बारह बेटे थे वो बनी इसराइल के नाते हैं हजरत याकूब का लकब था इसराइल अल्लाह का बंदा तो हजरत इसराइल यानी हजरत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम आल्लाम अजमाइन उनको कोई आर्जा लाक हुआ तो उन्होंने एक मन्नत मान ली कि जब मैं ठीक होऊंगा ना तो मैं अपनी सबसे पसंदीदा चीज अपने ऊपर हराम कर लूंगा और दो चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर हराम कर ली एक ऊंट का गोश्त और एक दूध वैसे हमारी शरीयत में तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को नापसंद फरमाया अब फाइनल तो हुक्म यही है सूर तहरीम नहीं नाजिल हुई कुरान हकीम में पूरी डिटेल बुखारी मुस्लिम में है और सूरत तहरीम का तो आगाज इससे हो रहा है उसका नाम ही तहरीम है ऐ नबी आपने अपनी बीवियों की रजा जोई के लिए अपने ऊपर वो चीज़ क्यों हराम कर लिए अल्लाह ने आपके लिए हलाल की थी यानी शहद बीवियों के भी ग्रुप बने हुए थे और वो हज़ूर की मोहब्बत की वजह से उनमें आपस में एक सौकन वाली जेलसी पाई जाती थी नबी इस्लाम ने एक बीवी के हाथ से शहद पी लिया शरबत तो दूसरी जो बीवियों का ग्रुप था उन्होंने पहली प्लानिंग की कि हम हज़ूर से कहेंगे कि के आपके मुँह से जो है ना वो उसकी बू आ रही है शहद की तो नबी इसलाम ने कहा कि ठीक है अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं अंदर से नहीं पीऊँगा अपने ऊपर हराम करता हूँ और मकसद उनका ये था कि वो रोजाना वहां से शायद पी के आते थे तो आप वहां ज्यादा देर ना बैठे हमारे पास आए लेकिन सर अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है ना अल्लाह का तो नबी भी रिश्तेदार नहीं है नबी भी उसका बंदा है ठीक तो है इधर तो लोगों ने अल्लाह से रिश्तेदारियां बनाई हैं जीया अल्लाह ने तो क्या मतलब अल्लाह ताला का ता कोई रिश्तेदार है अलिया अल्लाह हो गया थे काम चौंक के रखे नहीं तो कुरान में सूरह तहरीम का नाम ही सूरह तहरीम और स्टार्ट इसे हुआ है कि अनबी आप अपनी बीवियों की निजा जोई के लिए उस चीज को हराम कर रहे हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है तो नबीर इस्लाम ने फिर अपनी कसम तोड़ी कसम का कफारा अदा किया तो हमारी शरीयत में तो यह मसला बहुत सख्त है उस जमाने में जवास की हद हाँ तक था और भी कई काम थे दो बहनों से इकट्ठा निकाह हो सकता था हजरत याकूब अम की जो दो बीवियाँ थीं जिनमें से एक में से बिनिया और यूसुफ थे और बाकी दस बेटे दूसरी बीवी में से वो आपस में बहनें थीं दोनों लेकिन अब आप दो बहनों को एक निकाह में जमा नहीं कर सकते वो कुरान में सूरतुल सूर अन्निसा के अंदर आयत नाजिल हो चुकी है बहर हजरत याकूब ने जब ये मन्नत मान ली अब वह मन्नत पूरी करने लगे अब उन्होंने तो मन्नत पूरी की जर याकूब के जो चाहने वाले थे वो वक्त गुजरता गया तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ऊँट है ही हराम ऊंट को हराम डिक्लेयर कर दिया आज भी आपका जो स्टेब्लिश तौरात है ना टेम्पर्ड फॉर्म के अंदर उसमें बाकायदा ये मौजूद है कि भाई ऊंट का गोश्त हलाल नहीं है ये चीज उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली हालांकि जो ओरिजिनल तोरात थी उसमें यह चीजें मौजूद थी इवन नबी इस्लाम के जमाने तक भी जो तोरात थी ना उसमें चीज मौजूद था कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जाति पसंद नापसंद का मसला था ये हराम नहीं था अब यहूदी क्या करते थे मुसलमानों से कहते थे तुम तो ऊंट को जायज समझते हो जाहिर है बहीमतलनाम है और वो मवेशी है घर में पाले जाने वाला जिस तरह के गाय है बकरी है भेड़, है भेड़ है भैंस है और ऊंट भी तो अगर तुम कहते हो कि हम इब्राहिमी दीन पे हैं तो इब्राहिमी दीन के अंदर तो ऊंट हराम है क्योंकि तुम खुद मानते हो कि इब्राहिम के दो बेटे थे इसहाक और इस्माइल तो हम बनी इसराइल हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं हम शरीयत इब्राहिमी के ऊपर हैं तो अगर ये नबी इब्राहिमी होता तो ऊंट को भी हराम करता है ये तो अल्लाह ताला ने फिर उसका जवाब दिया कुरान में कुल्लु तामिकाना हिल बनी इसरो हर तरह की जो हलाल चीजें खाने की हैं ना वो हलाल ही थी बनी इसराइल पर हर्रमा उन चीजों के जो इसराइल याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी तौरा। नाजिल होने से पहले जब तोरात नाजिल हुई ना तो फिर अल्लाह और हलोराम का मसला नहीं था ऊंट हलाल है किसी नबी की पसंद नापसंद या उसकी मन्नत मानने से कोई चीज हराम नहीं हो जाती सर नबी की मर्जी से अगर कोई हलोराम का फैसला नहीं होता तो बुजुर्ग बाबे कैसे फैसला करेंगे इसलिए हम कहते हैं दीन आसमानों से नाजिल हुआ है इस जमीन की चीज ही नहीं है यानी दीन किताबों में है यानी कि मरने से पहले अह मुसलमान कर ले इस पे का खुदा और है बाबों का खुदा और तो फिर जवाब दिया गया कि यह तो उन्होंने खुद आराम किया था जब तो रात नाजिल हुई तो किताबें क्यों आती थी पैगंबर क्यों आते थे कि पैगंबरों के मानने वाले ने जो दीन में खराबियां दाखिल किए हैं वो नया पैगंबर आके वो खराबियां दूर करता था और फिर दीन साफ सुथरा हो जाता था इसलिए किताबें भी तब्दील होती थी अंबिया की जो तालीमात हैं वो भी टेंपर हो जाया करती थी क्योंकि टेंशन नहीं होती थी नया पैगंबर आके उसको दुरुस्त कर देगा लेकिन खत्म नबूत का तकाजा यह है कि यह किताब तब्दील ना हो यह वजह है कि कुरान महफूज है और बाकी किताबें महफूज नहीं है वहां महफूज होना ना होना फर्क नहीं पड़ता था लेकिन कुरान अगर महफूज नहीं रहता ना तो आप पैगंबर तो कोई आएगा ही नहीं लिहाजा रसुल्ला के बाद जितने लोग हैं वो तो क्या मतलब कह सकते हैं कि अल्लाह हम तक तो दीनी टेम्पर्ड फॉर्म में पहुंचा है तो ये गिला आप तो नहीं कर सकते इसीलिए फिर अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी खुद ली इहिक्र सूरतल हिजर आयत नंबर नो बेश जिक्र कुरान या दहानी अल्लाह की याद दिलाने वाली किताब को हमने नाजिल किया हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं खत्म नबूत की बरकत है कि क्या मत तक के लिए किताब अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली है तो अल्लाह तलफ कि यह तो नाजर होने से पहले था तौरात में फिर अल्लाह ने क्लैरिफाई कर दिया था तुम यहूदी होना तोरात के मानने वाले हो ना मूसा इस्लाम भी तो तौरात के मानने वाले थे उन पर तो तौरात नाजिर हुई थी वो भी हजरत याकूब की औलाद में से थे वो बनी इसराइल में से थे यहूदी नसल थे हजरत मूसा इस्लाम उल्फू बित फतलूह इनकुन तुम स्वादीन અનબીન સે ફરમાવ લેકર आओ તૌરાત અગર તુમ સચ્ચે હો તો તૌરાત પડો જરા उसमे ક્યાં લિખા હે કે ઊંટ કા ગોશ હરામ હે વસે આજકલ કી તૌરાત મે લિખા હુઆ હે ક્યોકી વો તો ટેમ્પર્ડ ફોર્મ મે હે નબી અલ્લાહ કી મુબારર જમાને તક યે ચીજે ઇન્જેક્ટ નહીં હુઈ હી થી ઓર જહા તક તૌહીદ કા મામલા ના અલ્લાહ કે ફઝલ સે આજ ભી તૌરાત ઇન્જીલ મે કોઈ એક આયત ભી એસી નહીં હે જો તૌહીદ કે મુનાફી હો પ્રેક્ટિકલી વો સબ કે સબ લોગ તૌહીદ કે ખિલાફ ચલ રહે હે લેકિન કિતાબે ઉનકી સાથ जिस तरह प्रैक्टिकली कुरान में ईया का नाबदू व ईया का नस्ताइन लिखा है इसके बावजूद प्रैक्टिकली बाबों को पुकारा जा रहा है किताबें नहीं इसको मानती क्या आपने बाबों को पुकारना है किताबें यही कहती हैं कि अल्लाह को पुकारना है बल्कि बाबों को पुकारने वाले भी नमाज में अल्लाह ही को पुकारते हैं भाई जो नमाज के अंदर है वही बाहर निकल के भी रखो ना तो अगर तुम सच्चे हो तो लाओ तो रात उसमें पढ़ो गाढ़ा फतवा लगाया बावजूद अल्लाह पर बोहतान लगाता है तो ऐसे लोग हैंदी तुम फरमाओ अल्लाह सच फरमाता है तो पैरवी करो इब्राहिम की जो सबसे कर एक अल्लाह के हो गए थे यह हनीफा का मतलब होता है सबसे कर एक अल्लाह का हो जाने वाला वमिन वा मुशरकिन और इब्राहिम तो मुशरक नहीं थे तुम कहते हो हम इब्राहिमी हैं, शिरक कर रहे हो तुम यह ने सारा तो इब्राहिम की तो बुनियादी तोहहीद थी तुमने अजत ईसा के बारे में डिविनिटी क्लेम कर दी है ईसाइयों ने यहूदियों ने डिविनिटी क्लेम कर दिया उजैर अल्लाम के बारे में तो तुम कहां से पैगंबरों के मानने वाले हो गये सिर्फ नस्बत लगाने से हो गय ऐसे नहीं होता अच्छा यहां पे एक मैं क्रिटिकल मसला आपको बता दूं कुरान की आयत वाज सबूत है कि आप पुरानी इलामी किताबों से भी इस्ता कर सकते हैं बशर्ते के आपको यहूद नसारा को समझाने की जरूरत पड़े यह हर बंदे का काम नहीं है कि तुरात इंजील खोल के पढ़ना शुरू कर दे वो बंदा जिसने कुरान तो खोल के पढ़ा ही नहीं अभी कुरान के अंदर क्या लिखा है तो उन्होंने तुरात इंजील खोल के बैठे ऐसे बंदे को तो उल्टा लटकाना चाहिए अलबत् जो लोग दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं जिनके डिबेट्स हो जाती हैं वैसे तो हर मुसलमान को बड़ा शौक़ होता है डिबेट करने का बाहर के मुल्कों में जितने लोग गए हैं ना वो हमेशा इसी शौक़ में पड़े रहते हैं कि हमने डिबेट करनी है वो भाई कुरान पढ़ो अपने हकीदे पहले ठीक करो डिबेट तो करनी है थीडी तो कॉम्पिटेंसी नहीं है बाज़ लोग एक हदीस का सहारा लेते हैं जो सुनन दारमी में है कि हज़रत उमर के हाथ में नबी इस्लाम ने एक दफ़ा तौरात के चंद सफ़े देखे तो आप इतना गु़स्से में आए कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि कुरान के बाद भी और फिर फरमाया अगर आज मूसा भी ज़िंदा होते तो मेरी पैरवी कर दें यह हदीस असूल महदसन पर ज़ीफ़ है ये मशक़ातमसाबी में शुरू ही में मौजूद है पहली जिल्द में किताबुल अहतसाम बिलकताब सुन्ना चैप्टर में उस पर तहकीम लगी है और वैसे ही कुरान के खिलाफ है कुरान तो ऐसी बात नहीं कर रहा कि तौरात से हवाला देना ये कोई गुनाह का काम है तो नबी इसम कैसे इस पर गुस्सा खा सकते थे नबी नबीसलाम तो खुद अल्लाह ती उनको हुक्म दे रहे है ये देखे ना उल फू बितरा फतलूह से को तो रात लेके आओ पढ़ो बताओ कहां लिखा है इससे भी बढ़ के सूरतुलहकाफ के स्टार्ट में आता है इतूनी मिन हादा मिन तुम सादीन ए नबी अगर ये इस कुरान को नहीं मान रहे इनको को इस कुरान से पहले जो तुम्हारे पास अपनी किताबें हैं ना वो लेकर आओ और जो अंबिया का इल्म तुम्हारे पास चलता आ रहा है वो लेकर आओ जिस उससे मुझे बताओ कि शर्क कहाँ है उन किताबों में शिरक लिखा हुआ शिरक के हवाले से अल्लाह के फल से तमाम इलामी किताबें एक खुदा के मानने की तरफ तरगीब दिलाती हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी इंग्लिश में बाद में मेरा उर्दू में भी उन्होंने करवाई है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन आल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में जितने भी मजाब हैं उनकी किताबों के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है गॉड का एक ही खुदा का इवन हिंदुजम की किताबों में एक खुदा पारसियों की किताबों में एक खुदा सिख तो एक खुदा की मानने वाले हैं आज के ज्यूज भी सब के सब एक खुदा में यकीन रखते हैं वो पुराने नबी इस्लाम के जमाने के ज्यूज उजैर को अल्लाह का बेटा कहते थे आज के जो ज्यूज हैं वो पक्के मवाहिद हैं इस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिश्चियंस की किताबें में कितने क्रिश्चियंस मुसलमान हुए हैं अपनी झील पढ़ के कि इसमें जो खुदा का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है एक खुदा का ये हमारे प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सिर्फ मुसलमान जो है वो इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं और ये भी अल्लाह का मुसलमानों पे बड़ा करम है कि एज़ फार एज़ तोहैद फिजात इज़ ता हाल उम्मत मुसलमा शिरक से महफूज है सिफात में ज़रूर शिरकिया कायदा है लेकिन खुदा की जात के हवाले से किसी ने शिरक नहीं किया नबीलाम को कभी किसी ने अल्लाह का बेटा करार नहीं दिया हर कोई नमाज में बढ़ता है रसूलु। आप किसी गुजरे मुसलमान जो कबर के आगे भी जाके झुक रहे हैं ना उससे भी आप जाके डिस्कशन करें ना कि ये खुदा है या खुदा का बेटा का जी तोबा अल्लाह का बंदा है इस लेवल पे मुसलमान नहीं कभी उतरे हाँ बाकी वो जो कुछ खुराफात कर रहे हैं वो अलग बात है लेकिन तोहहीद फिजात जो है ना उस हवाले से अल्लाह तला का खास इस उम्मत पे कर्म है और इस उम्मत का खमीर तो अहीद से उठाए उन लोगों के अंदर इस तरह की खराबियां आ गई तो अल्लाह तमाय कि इब्राहिम की पैरवी करो वह वाहकाना मिनल मुशरकिन इब्राहिम मुशरक नहीं थे तो ये मैंने इसलिए यानी डिस्कशन की कि बाज लोग तौरात इन झील को पढ़ने को उसके हवालों को बुरा समझते हैं और ऐसे स्कॉलर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये जी तोरात से हवाले दे रहे हैं को सर यहूदियों को तो से ही हवा देंगे तो मानेंगे ना कुरान को तो वो मानते नहीं है तो जिसकी जो किताब होगी उससे उसकी किताब से ही हवाला दिया जाएगा ना और फिर मुसलमान कहते हैं यार देखो हर चीज तो रात में लिखी हुई है नबी नबीस्म की प्रोफिसिस भी मौजूद हैं फिर भी कितने डेटा ईमान नहीं ला रहे तो सर मेरा सवाल है आपसे आप अपनी किताबों पर ईमान ले आए हैं आपने उस तरीके पर नमाज शुरू कर दी है जो बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है आपके अकीदे कुरान के मुताबिक हैं हैं मुंह अड़ के बह जाएंगे तो थोड़े तो ये उदीज के फ़र्क है करतूत तो एक हो जिन दो आधे हैदर नकवी भाई हैं एक बड़े डिसेंट शिया आलिम हैं उन्होंने बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कहा कोई गैर मुस्लिम आपके पास आए और वो कहे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ या कर चुका हूँ आप मुझे बताएं कि मुसलमानों की कौन सी किताब है कि जिसको मैं पढ़ के अपने अकीदे दुरुस्त कर लूं कि क्यामत के दिन की कामयाबियां मेरी मुकद्दर हो जाए तो वो कौन सी किताब है तो आप बड़े फिक्र से कहेंगे जी ये हमारी किताब है कुरान जो महफूज है और एक एक लफ्ज इसका महफूज है तो जुमला हर मुसलमान ने रटे है ये जी तब्दील नहीं हुई कि जबर जहरी भी नहीं तब्दील हुई तो आगे से अगर वो गौरा ये पूछ ले कि भाई आप मुझे तो मशवरा दे रहे हो आपने अपने अकीदे इसी कुरान के मुताबिक सही कर ली हैं पढ़ के तो कितने मुसलमान हैं जो आगे से कहेंगे कि के हाँ जी हमने भी पढ़ के अपने गीते सही किए हैं तो और मशवरा दे रहे हैं कोई सीरियस नहीं ये तो सिर्फ किताब इसलिए मुसलमानों के पास के मुर्दे बख्शवा इससे नहीं बख्शे जाने हैं ये कुरान आप साथ भी कहीं किसी मैय के साथ कब्र में दफन कर देना कोई फर्क नहीं पड़ना अल्लाह ताला ने हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक उठाना है इस तरीके से वो इतराज करते थे अब अगली आयत में दूसरे इतराज को एड्रेस किया जा रहा है इब्राहिमी किबले के हवाले से वो तो हम बकरा में पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह तला ने जो है वो किबले को चेंज किया सत्रह महीने के लिए बैतलम़दस था मदीना शरीफ में और फिर बाद में बैतुल्ला हुआ तो वो इसलिए कि ये आपस में चेमा गोइयाँ करते थे यहूदी के अगर ये इब्राहिमी नबी होता तो फिर मक्के की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता अल्लाह तला ने सत्रह महीने इसलिए पढ़ाई के ताकि जाते ही कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट खड़ा हो मदीने में यहूदियों का गलबा था तो उनके साथ एक कॉमन टर्म के तौर पर बैतुल बैतुलमकिस की तरफ नमाज पढ़ी सतराह महीने लेकिन हुआ ये कि उन सतरा महीने में, में वो अंदर बैठ के तो मजाक उड़ाते थे मुसलमानों का कि ये इब्राहिमी कहता है ना तो मक्के की तरफ क्यों नहीं नमाज पढ़ता फिर अल्लाह ताला ने कहा सहीसुफहान करीब ये बेवकूफ लोग कहेंगे इनका किबला क्यों चेंज हो गया हालांकि अंदर ये बात करते हैं जब इनकी बात पूरी हो गई अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो जी नवा किबला बना लिया जी इन्होंने किबला ही बदल लिया है कहते हैं आटा गुंदा हिंदी क्यों है मुहावरा है ना कि आपने आटा जब गूंजना है तो 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 पड़ेगा बगैर नहीं आटा जाएगा तो अल्लाह तरफ है, ये बेवकूफ लोग हैं इनको इनके हाल पे छोड़ दो तो, ये किसी तरह भी खुश नहीं होंगे ये अगर अल्लाह उनको तलास्फाई नहीं कर रहा क्योंकि अल्लाह को पता है मैं अगर ये करता हूं तो यह बाना लगाएंगे ये करता हूं तो यह बाना लगाएंगे तो अब क्या किया जाए दोनों में से एक ऑप्शन लेना है तो सर आप भी कोई पांद नहीं है किसी मौलवी को समझा सके कि कुरान में लिखा तो इस्तेमाल कर सब तो समझाने वाला तो अल्लाह है ना अल्लाह भी कह रहे मैजूद करना है इन्होंने फिर काम पा चढ़ना है।, है टेंशन लाला छोड़ दो इनको बेवकूफ लोग जब कभी भी तुम्हारा कोई मामला हो तो सलामारकत करके आगे चले जाओ तो वो टेंशन पड़ी हुई थी अल्लाह तला तो ने किबला चेंज किया तो अब वो यही कह रहे थे अच्छा किबला चेंज हो गया तो उन्होंने कहा कि यह तुम तो मक्का कहां से आ गया जी किबला तो जो है वो बैतुल बैतुलमकद है तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया है वहां पर भी आया था यहां पर भी इन्ना अव्वल मुबारक बेशक दुनिया में पहला घर जो अल्लाह ने मुकर्र किया था लोगों के लिए के उस लो, कि उसमें लोग जाके अल्लाह की इबादत करें वो वो है जो बक्का के अंदर है ये मक्का और बक्का ये दोनों एक ही शहर के दो नाम हैं और यह आप प्रैक्टिकली आप तो बड़ा आसान है समझना इंडिया में एक शहर है बॉम्बे भी कहते हैं उसे और मुंबई भी कहते हैं मीम से भी है और बा से भी है जैसे मक्का मीम से भी है और बा से भी तो ये दोनों प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल होती थी मक्का और बक्का वहुदल आलमीन और वो सारे जहान वालों के लिए हदायत का एक रोशन निशान है एक जरिया है पूरी की पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने उसको मुकर किया और इसकी तमीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की है हज़रत इब्राहिम ने तो इसकी बुनियादें उठाई थी ना सूर्य इब्राहिम में आता है तो इब्राहिम से पहले भी तो इतनी दुनिया बात थी वो किस तरह मुँह करके नमाज़ पढ़ती थी किबले की तरफ ही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है नबी इस्लाम से अबू अबुजरगफ़ारी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने कौन सी मस्जिद ज़मीन में तामीर करवाई तो नबीसनाम ने फरमाया खानबा हराम। उन्होंने पूछा उसके बाद तो नबीलना फरमाया मक्दिस, एलिया में योशलम के अंदर जो है और फिर उन्होंने पूछा इन दोनों के दरमियान कितना फासला है यानी तामीर में तो नबीसना फरमाया चालीस साल यानी पहले खाना काबा बनाया गया उसके चालीस साल के बाद वो वाला केवला जो मुसलमानों का किबला औसत है हम वैसे उसे किबला अव्वल कहते हैं देखें पूरी उम्मत के उलमा पढ़े लिखे हालांकि उनको इस बात का पता है उसको किबला अव्वल का नाम दिया हुआ है सर अव्वल भी खाना काबा है और किबला आखिर भी खाना काबा है मकदिस किबला औसत है सिर्फ सत्रह महीने के लिए दरमियान में किबला था हम क्या कहते हैं इब्राहिम का किबला कौन सा है खाना काबा तो पहला किबला कौन सा हुआ काबा फिर नबील इस्लाम जब हिजरत करके मदीना शरीफ गए ना तो सत्रह महीने के लिए मदीने में सिर्फ आपने बैतुलमकद की तरफ पढ़ा फिर दोबारा वापस हो गया तो खाना काबा किबला भी का खाना काबा है किबला आखिर भी खाना काबा है सिर्फ किबले औस किबला औसत दरमियानी किबला है इब्राहिमी काबा है और जब नबीलाम खाना काबा शरीफ में थे तो आप किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे हाँ उसमें कहते हैं कि जी नबी नबीलाम मस्तजाब दीवार की तरफ खड़े होते थे यानी कि पाकिस्तान से अगर आप देखें ना यूँ तो इस कॉर्नर में हजर असवद है यहाँ पर मकाम इब्राहिम है और यहाँ पर हतीम है तो हतीम के बिल्कुल अपोज़िट ये वाली जो दीवार है इसे मस्तजाब कहते हैं अगर यहाँ पर आप खड़े हो ना तो आपका रुख दोनों किबलों की तरफ हो जाता है क्योंकि बैतुलमकद इस तरफ है तो वहाँ तो एक कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा और इसी चीज़ की वजह से हजरत उमर ने रसुल्ला को मशवरा दिया कि यारसोल्ला आप अपना मुसल्ला बदलें क्योंकि यहाँ तो फिर भी शक रह सकता है ना तो बुखारी मुस्लिम में आते हैं हजरत उमर ने जब मशवरा दिया तो अल्लाह ताली ने आयद नाजिल कर दी वह तखद उम इब्रहीमसलाब्राहीम के खड़े होने की जगह को अपना मुसल्ह बनाओ फिर नबीर इस्लाम यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गए आप जब यहाँ आ गए ना तो बैतुलमक़दर ही रह गया बैतुलमद की तरफ यहाँ तो दोनों किबलों की तरफ मुँह था ना तो ये कुरान में आ गया कि इब्राहिमी किबला कौन सा है ये है बैतुल बैतुलमकदर इब्राहिम का किबला नहीं रहा वरना इब्राहिम यहां खड़े ना होते इब्राहिम भी यहां पर खड़े होते वो तो मुस्तजाब दीवार जहां से गुजरते हुए आप आती ना फिर दुनिया पढ़ते हैं रुकने जमानी से लेके हजर असब तक ये वाली दीवार जो है ना खैर अब तो प्रैक्टिकली हमारे लिए तो तीन किबले हो गए हैं इधर खड़े होते हुए क्योंकि नबीर इस्लाम की कब्र मुबारक भी इसी तरफ है यानी हमारी रूह का केबला तो वो है ना नबी इस्लाम जहाँ का आपका मदफन है मस्जिद नबी शरीफ भी उस तरफ ही है यानी अगर आप मुस्ताव दीवार पर खड़े हो ना तो आपका रुख रुख़लमक़दस की तरफ भी होता है खाना काबा की तरफ भी और इस्लाम के मस्जिद नबी और रोज़ा शरीफ की तरफ भी तो अल्लाह तता है कि ये पहला घर तो अल्लाह ने काबा तामीर किया था फ़ी ही आया तुम बइना तुम मकाम व इब्राहिम इसमें अल्लाह के बहुत बड़ी बड़ी निशानी हैं जिनमें से बड़ा मक़ाम इब्राहिम है और वो बड़ी निशानी है जनाब वहाँ अभी भी ये वो जो आपको येलो कलर की इमारत मक़ाम इब्राहिम की नज़र आती है ना उसके अंदर एक पत्थर है जिसमें हज़रत इब्राहिम इस्लाम के पाँव के निशान है और वह पत्थर तामीर क़बा के दौरान ख़ुद ब खुद बड़ा हो जाता था पचपन फुट ऊँची इमारत है और फिर एंड पे बरकत के तौर पर उसने अपने सीने में हज़रत इब्राहीम के पाँव के निशान ले लिए मैं और वो एक क्यामत तक के लिए एक रोशन निशानी है अल्लाह की उसके अंदर की तस्वीरें भी अवेलेबल हैं पत्थर के अंदर वो मट्टी का तो नहीं पत्थर है पत्थर में अम्बिया के पाँव का निशान आना ये मोज़ज़ा है वरना पत्थर में तो निशान नहीं बनता जब तक खुद खोदा ना जाए तो वह पत्थर मोम हो गया उनके लिए जिसमें कुरान में आता है कि हमने लोहा नरम कर दिया था दाऊद के हाथ में वह ज़रा बनाते थे दाऊद इलाम को लोहे की जरा बनाने के लिए कोई अंगेठी नहीं चलानी पड़ती थी वो आटे की तरह गूंध लेते थे उसको जनाब अल्लाह के काम है ना अल्लाह जिसके लिए नर्फ कर दे वमन अमन दाखला हूं का ना आमिना जो काबे में दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया और ये इतना बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मुशर्किन अरब भी अगर अपने बाप का कातिल भी काबे के अंदर देख लेते थे ना उससे बदला नहीं लेते थे वो कहते थे यहां तलवार उठाना मना है इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे जैसे हमारे लोग जो हैं वो मजार में जब जाते हैं जूतियां उतार के जाते हैं और वापस वापसी उल्टे कदम आते हैं ये लादा बात है कि मस्जिद में उल्टे कदम नहीं आते मस्जिद में काबे को पीट करके बाहर निकलते हैं मजार वाले बाबे को नहीं पीट करके निकलते हैं। आप कंपैरिजन देख लें तो बाबे को उन्होंने काबे से ऊपर ही रखा हुआ है दोनों ही गलत है पीट करने वाला कोई मसला नहीं है बुखारी मुस्लिम एक ही अदीस है कि नबी नबीस्म के बाद जब साहबा आते थे वो भी उसमें अल्फाज हैं कि वो सिया आया और फिर मुड़ा तो पीट करके जाते थे सी गुस्ताखी हो जाती है एक नेचुरल प्रोसेस है कभी नहीं हुआ कि नबी इस्लाम को मिल के तो उल्टे कदम वापस जा रहा हो तो अबन वाली जगह थी और इस चीज को कुरेश मक्का इतना कैश करवाते थे कि पूरे अरब में बाकी काफले तो लूट लिए जाते थे तजारत के दौरान लेकिन कुरेश का काफिला कोई नहीं लूटता था वो कहते थे जनाब ये तो समझ लें कि गदी नशीन है उस कबले के तो वो इसको और फिर दूसरा हार कबीले ने अपना बुत भी रखवाया होता था उनको डर होता था कि मक्के के सरदार साढ़ा बुत ही ना उतूँ कोई साढ़े बुजुर्ग ने दीनू ही ना बार बैठने तो वो इसलिए फिर अल्लाह ने इसका एहसान जिताया इलाफ ही कुरैश ईलाफ हम रेख ल तशिता वैफ फल या अबू रब्बाहादल बैद वो इस घर का सदका खा रहे हो तो इस घर के माले की इबादत भी तो करो ना इसको बुतों से पाक करो ने इसकी वजह से तुम्हारे सर्दियों का और गर्मियों का सफर आसान कर दिया ना तुम्हारा काफिला कोई लूटता है ना तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव करता है ये सारी बरकतें तुम इसी से तो हासिल कर रहे हो अब ये बरकत नहीं सिर्फ वासी हिजुल्बई ती मनई सबीला और लोगों पर अल्लाह का यह हक है कि जो कोई इस्तात रखता हो वह इस घर का हज करे वाम कफरा और जो कुफ़र की रविश इख्तियार करेगा फा इन अल्लाहमीन तो अल्लाह तला याद रखो तमाम जहान वालों से बेपरवा है उससे कोई टेंशन नहीं है कि कोई हज करने आया है नहीं आया कोई नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उसका कोई लेना देना नहीं इसके साथ ये जो कुछ करना है तुमने अपने लिए करना है यह आयत इस बात का सबूत है कि अगर कोई शख्स इस्तात के बावजूद हज नहीं करता वो कुफर कर रहा है देखें ना अल्फाज हैं कि जिसकी इस्तात है वो अल्लाह के घर का हज करे व मन कफ़रा और जो कुफर करता है कुफर ना शुक्री के मानों में अभी शरीय तोड़ने के मानो वैसे ऐसे स्पोटिवी का हदीस है वो ज़यीफ है जाम तिरमजी में कि जिसके पास इस्तात हो और वह हज के लिए ना आए तो नबी रस्ना फरमा मेरी तरफ से चाहे यहूदी होकर मरे चाहे वह नसरानी होकर मरे मुझे कोई परवाह नहीं है वो हदीस असूल महदसन पर ज़यफ़ है जाम तिरमजी की लेकिन इस आयत की वजह से स्पोर्टिव हो जाती है यह आयत तो बड़ी चीज है ना कि जिसके पास इस्तात है वो हज करे और जो बेपरवाही की रविश इख्तियार करेगा हाज नहीं करेगा अल्लाह तला फिर बेपरवाह है उससे इस्तात यह कि आपके पास इतना खर्चा हो कि आप हज के लिए जा सके और पीछे इतना दे जाए कि वो उतना अरसा के लिए गुजारा कर लें और फिर आप वापस आ जाए अब बाल लोग कहते हैं जनाब मैं पहले ये कर लूं मैं वो कर लूं मैं वो कर लूं फिर एंड पे आज करूंगा एंड च का कुछ करेगा ना तू आज इस तरह तो किसी पे भी आज नहीं फर्ज होगा इस्तात होती है लोग इतने अमीर बाल लोग दुकान बंद करने के लिए तैयार नहीं होते जी बस ये बच्चे बड़े हो जाने संभाल गए तो फिर मैं वेला हो जाऊंगा फिर तू वेला किसी काम का नहीं होना हूं तू उताना है और सबसे बड़ी यानी मैं कहता हूं हो शर्मिंदगी होती है आज उम्र पर आप जाए ना आपको बाकी मुल्कों से तो यंग यंग लोग नजर आएंगे पंद्रह से लेके पच्चीस साल तक जितने ने सारे इंडिया पाकिस्तान दे मैं कहता मुझे कोई इंडोनेशियन दिखाए कि कोई बाबा उधर आया हुआ आज करने के लिए कोई ईरान से आया हुआ को आप बाबा देखें मिस्र और टर्की से देखें बहुत कम होंगे इधर सारे बाबे होते हैं एटीट्यूड बिल्कुल गलत है यानी अल्लाह को सीरियस लें और मैं आपको बताऊं ये तो अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी आजमाइश आ गई अब तो लोग कई मेरे अपने जानने वाले हैं जिनको पीछे मैं पड़ा हुआ था कि यार हाज करो हाज करो अब जहां मुसीबत पड़ गई ये कोरोना वाली अब वो रोते हैं कि जी अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे हमारे पास चांस था पैसे थे हमने नहीं उस वक्त हाज किया आप करना चाह रहे हैं चले वो जो मर्जी भी है सूरत हाल है बहरल एक कहते ना कि वो गांड तक जाती है ना जब धागा टूट जाए ना तो जोड़ तो जाता है लेकिन गंड ग आ जाती है गंड आ गई है ठीक है जो भी है अल्लाह के सामने आप ये बाना कर सकते हैं कि वो सऊदी हुकूमत ने नहीं आने दिया ये वो लेकिन आगे यह सवाल होगा कि पहले कितने हैं फिर करोगे तो ये बहुत सीरियस इशू है हज को मामूली नहीं समझना चाहिए हज के ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है मसला फिफ्टी फोर ए बी सी डी 54 ए मसला उम्रे के तरीक़े पे था 54 बी हज के तरीके पे 54 सी और डी जो है क़ब्र रसूल की हाजरी और कब्र रसूल सल्हुस वसम से जुड़े हुए अक़ायद और नज़रियात के साथ मैंने डिटेल के साथ गुफ्तू की है जिसे शौक है तो वो ज़रूर देखें वरना तो मैं इस आयत पे भी अगर हज के इशूज़ डिस्कस करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा कुल याहल किताब एनबी फरमाद और एहल किताब यानी जूस और क्रिश्चन लिमा तक फरून अभी आयात तुम क्यों अल्लाह की आयात का कुफर करते हो वल्लाहु शहीद उन आलामातमल जबकि अल्लाह गवाह है जो कुछ तुम कर रहे हो यानी तुम लोग तो ये कहते थे कि जी हम इब्राहिमी हैं हमारी किताबों में आखिरी नबी की पेश गोइयां मौजूद हैं अब आखिरी नबी आए हैं तो सबसे पहले तुम ही उनके दुश्मन बने हुए हो तुम्हारा तो काम था कि इस नबी के हाथ मजबूत करते तुम पहले का फिर बन गयो और यह पहले किताब में यहां तो ऐसे ज्यूज और क्रिश्चियंस मुराद हैं कर हम भी ही रहे हैं अहले किताब हम भी इन मानों में हैं नबीसलाम ने अहल कुरान कहा है मुसलमानों को सुन नसाईकुबरा का जो चैप्टर है ना फजाइल कुरान उसमें ही है ए एहल कुरान हम भी एहल किताब हैं हम इस किताब के मानने वाले उन किताबों पर ईमान रखते हैं लेकिन इस किताब के मानने वाले फाइनल टेस्टमेंट के ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के साथ तो अल्लाह ताला गवाह है जो कुछ तुम कर रहे हो जो तुम्हारे करतूत है ना अल्लाह ताला के इल्म में है उल या अहल किताब ए नबी तुम फरमाओ कि ए अहल किताब लिमा तसदून एन सभी तुम अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो बाकियों को मन आमना जो ईमान लें तब गाईवा जा तुम चाहते हो टेढ़ा रास्ता यानी जो जो चार बंदे को बात कबूल कर रहे हैं उनका भी जेन उलझाते हैं कभी सवाल लेके ये भिजवा दिए ए पूछो चलो पूछने के बाद पता लग गया जय लाओ ना ईमान मेरे पास कई लोग आते हैं ना जी हो ही नहीं सकता जी बुजुर्गों ने कलमा पढ़ाया चिश्ती रसूल्ला मैं कहना जी अगर मैं दिखा फिर क्या होगा या तो मेरा मुको ना कि निकल आया तो फिर नहीं वो फिर देखांगे फिर जाओ दबाओ देखेंगे भाई जब निकालने के बाद भी तो एंड रिजल्ट यही है या तो ये कहो कि निकल आया तो हम उसे कुफर कहेंगे अपने बुजुर्गों से भी जाके पूछेंगे क्यों किताबें रहे फिर तो कोई निकले तो इसका मतलब आप चस्का लेने आओ न सोए तु वह अंग तुम शोहदा हालांकि तुम खुद इसके गवाह हो कि ये वही पैगंबर है जिसकी पेश गोइया तुम्हारी किताबों में मौजूद है वह माफिल अमा तामलून और अल्लाह तला गाफिल नहीं है जो तुम्हारे करतूत हैं इनसे या यूह लदीना किताब एहल किताब अगर असलमानों ईमान वालो अगर तुम अहल किताब की बातों में आ गए ना यादू कुम बाई ईमान काफरीन तो ये तुम्हें ईमान के बाद दोबारा काफिर बना देंगे तुम्हें उल्टे कदम फेर देंगे उठते हैं बना बना के वो सवाल तो क्या तक नहीं खत्म होते जब आपने तय कर लिया कि ये सच है और ये झूठ फिर तो बात खत्म हो गया बार बार इस चीज के ऊपर लकीर पीटना जी ए भी दसो जी ए भी दसो जी भाई जो आपको बताया वो आपने अमल कर लिया जी अगली गल दसी अगर नहीं अच्छा एक मसला हल होता है वो कहते दूसरा निकाल लेते हैं तीसरा निकाल इसलिए मैं अपने भाइयों कहता हूं जहां भी कहीं डिस्कशन हो वन पॉइंट एजेंडा रखें जब वो क्लियर हो उनको जो कड़ना ही ना हो दस निकल आया ना कि तू गलत है तो दस अगली गल दस क्या हाँ मान लिया तू एक एक स्टेप बाइजर ऐन छोड़ो ऐ हल करो वह तक तो क्या तक नहीं हल होना वो तो साहबा को भी कहा जा रहा है कि ये तो तुले हुए जब तुम्हें बता दिया कि इन्होंने ये ये बेईमानियां की हैं तो अब इनकी क्रेडिबिलिटी हो गई लूज अब ये पचास भी इतना ज्यादा लेके आए इनके मुंह पे मारो एथियस यही करते हैं ना जी कभी कोई मसला उठाया कभी भाई आप खुदा के ऊपर बात करें खुदा है या नहीं बाकी सारे सवाल बाद में होंगे इसके ऊपर बात करें उन्हें जी ये क्यों हो गया जी लोग भूखे क्यों मर रहे हैं जी ये क्या हो गया जी वो क्या हो गया इसको छोड़कर बाद में बात करेंगे पहले तुम बताओ खुदा को मानते हो या नहीं नहीं तो जब खुदा को ही नहीं मान रहे हो तो बाकी सवाल तो छोटे हैं और जब खुदा को मानोगे ना फिर हम बात करेंगे विल ऑफ गॉड पर तुम तो कहोगे कि अगर एक बच्चे की पैदाइश का जरिए अल्लाह ने मर्द को बनाया तो औरत को बनाया तो अगला बच्चा

कि ये अपने होश के नाफुन नाखुन लो व वकीफ तकफर तुम तुतलाया तो और तुम कैसे अल्लाह का गफर कर सकते हो जबकि अल्लाह की आयात तुम पर पड़ी जा रही है वफी रसूलू और रसूल खुद अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी तुम में मौजूद है इनका किरदार इनके अमाल इनके फाल इनका करेक्टर खुद तोहैद के ऊपर गवाह है वहीं बिल्ला जो कोई पकड़ लेता है अल्लाह को मजबूती से फ़कद हु दिया अला से रातम मुस्तकीम तो उसे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई दे दी जाती है जो अल्लाह को पकड़ ले और अल्लाह को पकड़ना क्या है कुरान को पकड़ना रसूलुल्लाह को पकड़ना जो हजरतलविदा का खुतबा कुरान और मेरे नबी की सुन्नत और गदीर खुम पे कुरान और अहले बैत इन इसके ऊपर डिस्कशन में अगली निश्चित के अंदर करूँगा अब टाइम मुकम्मल हो चुका है अल्लाह ताला से दुआ जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई ग़लत बात निकल गई तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وما علينا إلا البلاء والمبين جزاك من الله خيرا